इस समय मैं मौजूद हूं कलेक्टर कार्यालय के सामने देवास में, जहां पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और जो किसान आए हैं वो विभिन्न मांगों को लेकर यहां पे आंदोलित हैं। दिन भर से आज यहां बैठे थे और शाम को यहीं पर बाटी भी बनाई जा रही है और ये धरना लगातार यहां पर चलेगा। और विभिन्न मांगे हैं, खासतौर पर मुआवजों को लेकर मांगे हैं, और जो रेलवे लाइन क्षेत्र से निकल रही है देवास जिले से, उसमें मुआवजे में काफ़ी विसंगतियाँ बताई जा रही हैं। ये इनकी खास मुख्य मांगे हैं यहाँ पर, और ये धरना लगातार चल रहा है। फिलहाल कलेक्टर से इनकी क्या चर्चा हुई हम बात करते हैं। पटेल साहब बताइए, क्या चर्चा हुई कलेक्टर साहब से आपकी, और ये धरना क्यों है पूरा? ये धरना अभी तो हमारा जो 2023 में जो अभी पानी की लंबी खेस के कारण जो और जल्दी की वैरायटी है वो जो खत्म हुई, उसकी राहत राशि प्रथम बिंदु तो ये हमारा। दूसरा बिंदु जो अभी इन्होंने सैटेलाइट से सर्वे की योजना बनाई है, तो उसमें कहीं ना कहीं सभी किसानों का एक तरह से हत्या कर रही है। सैटेलाइट से अभी तक ऐसा कोई सैटेलाइट यंत्र नहीं बना कि वो ऊपर से ये देख के बता दे कि ये सोयाबीन में कितना दाना कितना वजन का है। तो हमारी मांग है कि सैटेलाइट के बजाय आप जो रेंडम से कटिंग होती है, क्रॉप कटिंग, उस हिसाब से आप क्रॉप कटिंग करके करवाइए। अगर जब तक क्रॉप कटिंग करके उस पर रेंडम नहीं डालेंगे तब तक किसान यही डटे रहेंगे। ये धरना कब शुरू किया और कब तक आप इस तरह से बैठेंगे? ये आज कलेक्टर महोदय से चर्चा करने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि ये हमको अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ेगा जी। क्योंकि कलेक्टर साहब की और अभी हमारे बीच में जो चर्चा थी वो सहमति पूर्ण तरीके से नहीं बन पाई है। जिले में अभी जंगली जानवरों का भी आतंक है, तो उनके भी कहीं पे भी ऐसा कोई उनपे नियंत्रण नहीं है वन विभाग का कि किसानों की फसलों की जो खराब होती है जंगली जानवरों द्वारा, उनका आवेदन जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई होती है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि किसान खेती यहाँ से छोड़ के कहीं विदेश चले जाए या फिर आत्महत्या पूर्ण तरीके से कर ले। इसके अलावा क्या रेलवे लाइन को रेलवे लाइन में जो 2 गुना है, तो हमारी मांग है कि उसको 4 गुना दिया जाए, क्योंकि मुआवजा 2 गुना भी आटे में नमक के समान है। किसानों के समान अगर 4 गुना देते तो भी आटे में नमक के समान है, फिर भी हम उस पर संतुष्टि मना रहे हैं कि किसानों को सहमत कर रहे हैं कि ठीक है अपने को 4 गुना मिल रहा है। जहां करोड़ों के भाव है वहां पे किसानों को 4 लाख रुपए पर बीघा मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ में छला हुआ है। तो ये थे शेखर पटेल और भारतीय किसान संघ से हैं, और खास मुद्दा यही है कि फिलहाल जो फसल खराब हुई है सोयाबीन की, अगर उसका सैटेलाइट सर्वे करवाया जाता है तो उसमें रियल नुकसानी पता नहीं चल पाएगी। और इस समय फिलहाल पटवारी छुट्टी पर हैं, हड़ताल पर हैं, और अभी तक मैदान में कोई भी देखने नहीं गया किसानों के लिए कि उनकी फसल कितनी खराब हुई है। इसी बात को लेकर ये सभी आंदोलित हैं, और फिलहाल इनकी जो कलेक्टर से चर्चा हुई है उसमें इनकी चर्चा सफल नहीं हुई है ऐसा बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान। आज भारतीय किसान संघ के कुछ लोग आए हैं और आज बाहर बैठे भी हुए हैं। उनकी प्रमुख रूप से 4-5 मांगे हैं, जिसमें अधिकतर मांगे तो शासन से संबंधित हैं और नीतिगत हैं। जैसे कि एक समय का राहत राशि की एक इंस्टॉलमेंट प्राप्त नहीं हुई है, वो शासन को मांग की जा चुकी है पूर्व में। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है उस पर 4 गुना मुआवजा दिया जाए, जबकि मध्य प्रदेश में 2 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। फैक्टर 1 मध्य प्रदेश में लागू है। अगेन ये नीतिगत मामला है, इसके बारे में भी किसान संघ से चर्चा करके उनको इसके बारे में बता दिया गया है। इसके अलावा उनकी ये मांग है कि बंदरों को भी पकड़ा जाए। तो ऐसे में हालांकि हम ये बता देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, बट प्रैक्टिकली करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा उनकी ये मांग ये भी है कि जो फसल की नुकसानी हुई है उस पर जल्द से जल्द सर्वे करवाया जाए, तो उसके बारे में हमने उनको आश्वस्त भी किया है। हमको उम्मीद है 2 से 3 दिन में हमारा राजस्व अमला इसमें लग के सर्वे काम चालू कर देगा। इसके अलावा कुछ एक ऐसी मांगे भी हैं आगे, जैसे कि मैंने बताया कि वो नीतिगत हैं, तो वो उन मांगों को भी हम शासन को भिजवाएंगे। सर, सैटेलाइट सर्वे का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैनुअली सर्वे किया जाना चाहिए जैसे पहले होता है। पूर्व में ये पद्धति जिसमें मैनुअल सर्वे हुआ, सर्वे अगर इसको हम बोलते हैं क्रॉप कटिंग, उसके आधार पर फसल बीमे निर्धारित किया था, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं रहीं पूर्व में, कहीं पर अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद रिमोट सेंसिंग की पद्धति को अपनाया गया है।
अगेन ये शासन का निर्णय है, ये ज़िला स्तर का निर्णय नहीं है। अगर शासन रिमोट सेंसिंग की ओर जा रहा है तो उसी के माध्यम से ही सर्वे मतलब बीमा का आंकलन किया जाएगा। सर लगातार अब ये कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकाल के लिए आपके कार्यालय के सामने बैठेंगे, प्रयास हम कर रहे हैं लगातार उनसे बात करने का, उनको समझाने का कि अधिकतम मांगे जो हैं तो जिला स्तर की हैं, वो या तो पूरी हो गई हैं या उनकी पूर्ति की जा रही है, और जो शासन संबंधित हैं उनको विधिवत उनकी मांगों को हमारे खुद के पत्र के साथ में हम भिजवाएंगे।